हम विज्ञान विषय में कक्षा 10वीं में अध्ययनों अनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। अनुवांशिकता क्या है? आपने देखा होगा कि हर जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। आपने देखा था पूर्व वाले अध्याय में आप पढ़ चुके थे। तो किस प्रकार जीवधारियों में लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, उनका संचरण कैसा होता है? तो ये अनुवांशिकता कहलाता है और ये लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो ये जो अनुवांशिक लक्षण हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे और ये इस प्रकार होता है कि जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं, केंद्रक होता है और केंद्रक में क्या है, ये गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र में एक प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं और यही जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। तो वंशागति किस प्रकार होगी, ये मतलब गुण कैसे जाएंगे, इसके लिए मेंडल नामक वैज्ञानिक ने वंशागति के नियम बताए। तो जो मेंडल्स का जो प्रथम नियम था, उसने बताया कि किस प्रकार जो जोड़े बनते हैं, जो जीन्स के जो एलिल्स हैं वो जोड़े बनते हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो कुछ लक्षण प्रकट होते हैं और कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते। तो जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण। इसलिए इस नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार मेंडल ने सबसे पहले इसको एक प्रयोग के आधार पर उसने क्या किया, मटर के पौधे को चुना ये सब देखने के लिए। अब वो मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्योंकि उसमें बहुत सारे लक्षण एक साथ पाए जाते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार ये प्रभाविता का नियम है। उसने क्या किया कि जो जोड़े हैं वो इस प्रकार, जैसे ये लंबापन, लंबापन के लिए हम लाते हैं टी टाल, और बौनापन के लिए लाते हैं स्मॉल टी। तो ये जो ये थे शुद्ध बोने पौधे, ये उसने मटर के पौधे पर ये प्रयोग किया, और ये था शुद्ध लंबे पौधे। आप देखेंगे कि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिकाओं में। तो ये दोनों जो जीन्स के जो एलेल्स गुण, ये पृथक हो जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार इनमें ये कौन सी घटना हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री ये विभाजन है ये टी। जब इनको हम आपस में संकरण करवाते हैं तो हमें चार प्रकार के पौधे प्राप्त हो सकते हैं। देखिए कैसे चार होंगे, हमने इनको आपस में क्रॉस करवाया है। आप देखेंगे ये कैपिटल टी, ये इस वाले स्मॉल टी से भी युग्मित हो सकता है। तो यहाँ आएगा ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये वाला टी इस प्रकार इस चार्ट के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये है F1 जेनरेशन, F1 पीढ़ी भी बोल सकते हैं इसको। F1 पीढ़ी में आप देखोगे कि सभी जो पौधे हैं वो बाहर से लंबे दिखाई दे रहे हैं। बाहर से कौन सा गुण उनमें प्रभावी हुआ, लंबेपन का। क्यों?
पहली पीढ़ी थी जो F1 जनरेशन, उसमें सभी पौधे लंबे पौधे हुए। कैसे पौधे हुए? लंबे पौधे हुए क्योंकि दो गुण के जो जोड़े होते हैं तो उसमें टी है, जो टी और टी, तो जो कैपिटल टी होता है लंबापन, वो प्रभावी होता है, और स्मॉल टी अप्रभावी। अप्रभावी मतलब उस बाहर से उसका गुण प्रकट नहीं होता है। हम देखते हैं तो इसलिए कि पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देते हैं। सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। अब हम इसको दूसरी पीढ़ी में देखते हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ये अब यहां पर देखते हैं हम F1। अब इनमें हम 100 निषेचन करवाते हैं। ये मेंडल्स ने मटर के पौधे को प्रयोग किए। अब आप देख सकते हो कि ये टी यह है F2 पीढ़ी। इसमें हम देखते हैं कि तीन पौधे हमें लंबे दिखाई दे रहे हैं। तीन पौधे हमको ये लंबे हैं और एक पौधा क्या है? बोना, ये वाला। आप देखिए इसके जोड़े के जो दोनों गुणसूत्र हैं या दोनों जो जीन्स हैं वो देखिए स्मॉल टी। स्मॉल टी मतलब दोनों अप्रभावी हैं, तो एक बोना रहेगा। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी में ये गुण हमेशा, ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही रहे, ये नियम नहीं है। स्मॉल टी के साथ भी जुड़ सकता है। दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए और एक पौधा क्या हुआ? बोना हुआ। तो ये कहलाता है मेंडल्स का पृथक्करण का नियम। ये दूसरा नियम होगा मेंडल्स का। तो इस प्रकार कैसे अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेंडल्स का पृथक्करण का नियम। तो युग्मकों के निर्माण के समय जो दो एलीली जोड़े हैं उनमें से हमेशा एक ही आगे जाता है और एक युग्मक में ही जाता है। तो इस प्रकार एक युग्मक में एक ही जोड़ा जाएगा। तो ये कहलाता है पृथक्करण का नियम। अब मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मेंडल मटर के पौधों को ही क्यों चुना? इसका कारण ये था कि ये आ नहीं रहा है सौरभ। अरे तो मटर के पौधे का क्या किया? चुनाव किया। क्योंकि इसमें कुछ लक्षण विपरीत पाए जाते थे, जैसे मटर के पौधे लंबे भी होते थे और कुछ पौधे छोटे भी होते थे। उसमें जो फूल का रंग है, मटर के पौधे का जो फूल का रंग है, वो लाल भी होता था और सफेद, मतलब बहुत सारे लक्षण इस पौधे में पाए जाते थे। कभी जो मटर के जो बीज होते थे
वो गोल भी हो सकते थे कभी कभी, और झुर्रीदार भी होते थे। तो इस प्रकार और भी गुण हैं, तो इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का क्या किया, चुनाव किया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मेंडल्स का जो तीसरा नियम है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। मतलब जो दूसरा लक्षण नियम पढ़ा उसी से मिलता जुलता है कि जो जीव के लक्षण है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी संतति में चले जाते हैं। मतलब उन लक्षणों का जो पृथक्करण है वो स्वतंत्र रूप से होता है। जो लक्षण होते हैं जो जोड़े के, वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में। आपने पढ़ा है 9th में यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब उसमें सारे अंग अच्छी तरह से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, अंग वेल डेवलप होते हैं, विकसित अच्छी तरह से होंगे। और जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सारे अंग न्यूक्लियर झिल्ली आदि नहीं होते। तो जो अपना केंद्रक होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द और आएगा, तो ये अनुवांशिक जो पदार्थ है ये पूरी कोशिका में नहीं फैलता है, ये केंद्रक में कुछ विशिष्ट रचनाओं के रूप में व्यवस्थित होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर एक जीन नामक रचना भी होती है। तो जीन क्या है, तो ये जो गुणसूत्र है डीएनए से बने हैं। तो डीएनए का वह भाग जहां पर कुछ विशेष प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं वहां पर निर्मित होते हैं। तो हम आपको जीन के बारे में बता रहे हैं कि डीएनए का वह भाग जिसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनने की सूचना प्राप्त होती है। वह जीन कहलाता है। डीएनए का पूरा नाम आपको पता ही है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक अम्ल, इसको हमने पहले भी पढ़ाया है। तो इस प्रकार केंद्रक में ये जो गुणसूत्र होते हैं उसमें जीन्स पाए जाते हैं और यही अनुवांशिक पदार्थ मैन है। अब हम पढ़ते हैं गुणसूत्र। आप पढ़ चुके हो कि ये अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं और शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आपको पता हर जीव में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, निश्चित। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। 46 मतलब या इसके 23 जोड़े बनते हैं। तो आप देखो कि जो 44 गुणसूत्र हैं वो एक जैसे रहेंगे, लेकिन एक गुणसूत्र होता है जैसे एक्स वाई, तो मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स, दोनों गुणसूत्र समान होंगे। तो इस प्रकार किस प्रकार उसमें मेल और फीमेल का निर्माण होगा, तो ये देखिए 44 तो सामान्य गुणसूत्र हैं। आप यहाँ देखिए मेल में ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, जैसे हमने शुरू में बताया इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें से एक्स और वाई ये अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए फीमेल में दोनों एक्स एक्स हैं और इस प्रकार इनमें
अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। उसके बाद आप यहां देखेंगे ये स्वतंत्र है पृथक्करण के अनुसार, ये एक्स इस प्रकार इससे, तो ये एक्स एक्स, और आप ऐसे ही देखिए एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई, तो इसमें से स्वतंत्र है, कोई भी एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जो मेल होता है उसमें गुणसूत्र एक्स वाई, वाई का होना मतलब वाई गुण, ये वाला वाई ही लिंग निर्धारण करने में, मेल का निर्धारण करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। इस प्रकार ये हम देखते हैं कि पुत्री या फीमेल के लिए एक्स एक्स का होना जरूरी है और मेल के लिए एक्स वाई का होना जरूरी है। अब अनुवांशिकता के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है विकास। अब अभी वर्तमान में देख रहे हो कि हम जो स्थिति में हैं, तो हम कैसे बने, किस प्रकार जीवों की शरीर के अंगों का विकास हुआ, तो ये प्रक्रिया है जो विकास की, ये बहुत धीमी है और क्रम से किस प्रकार आधुनिक जीवों की विभिन्न जातियां और उनसे नई जातियां विकसित हुई, तो इस क्रम को हम क्या बोलेंगे, जैव विकास। जैव विकास के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, उसमें से एक प्रमुख सिद्धांत है डार्विन का प्राकृतिकवरण सिद्धांत। तो प्रकृति क्या करती है, वही योग्यतम जीवों को चुनती है जो अपने संघर्ष के द्वारा जीत जाते हैं, तो और जो कमजोर होते हैं वो या तो प्रकृति में रहते नहीं है या विकसित नहीं हो पाते हैं, तो इस प्रकार प्रकृति ही क्या करती है, प्राकृतिक चयन करती है। तो ये जो विकास हो रहा है उसमें ये डार्विन का प्राकृतिक वर्ण। अब हम पढ़ेंगे समजात अंगों के बारे में। अब समजात अंग क्या है, आप देखेंगे कि कुछ अंग ऐसे हैं जीवों में जिनकी उत्पत्ति समान ढंग से हुई है लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग हैं। जैसे आप देख सकते हो मनुष्य के, हाँ पक्षियों के पंख, इनकी उत्पत्ति समान है लेकिन इनके कार्य क्या है, अलग अलग है। पक्षियों के पंख उड़ने में सहायता करते हैं, उसके पंख हड्डियों से जो उनके अग्रपाद हैं, जैसे हमारे हाथ हैं अग्रपाद हैं, हाथ हमारे किसी वस्तु को उठाने और पकड़ने का काम करते हैं, और पक्षियों के पंख वही हड्डियां पंखों में रूपांतरित हो गई और वो पंख किसका कार्य करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं। तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, समजात अंग। दूसरा है विकास के संबंध में समवृत्ति अंग, उसका उल्टा कर दीजिए, जिनकी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है लेकिन कार्य में क्या है, समान है। तो आप देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, तितली के पंख व पक्षियों के पंख, ये दोनों का काम समान है, तितली भी पंखों की सहायता से उड़ती है और पक्षी भी पंख की सहायता, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है। तितली के पंख में कोई भी हड्डियां नहीं रहती हैं और पक्षियों के पंख में हड्डियां रहती हैं, तो इनका क्या है, उत्पत्ति अलग ढंग से हुई है और इनका जो कार है वो क्या है, समान, कार्य क्या है, समान है। ऐसे आपने चमगादड़ देखा है,
चमगादड़ के जो पंख होते हैं वास्तव में वो ऐसा लगता है पक्षी है। चमगादड़ के पंख वास्तव में उसकी उंगलियों के बीच की जो उसकी त्वचा है वो फैल जाती है, तो वो उड़ने का काम करती है। लेकिन वास्तव में पक्षी उत्पत्ति उनकी पक्षियों से क्या हुई है, अलग अलग हुई है। तो ये सब विकास में आते हैं कि किस प्रकार क्रमिक रूप से विकास हुआ है। अगला है हमारा जीवाश्म, नाम से आपको समझ में आ रहा है, जीवों के अवशेष। जो कुछ जीव होते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, ये मान लो ये इनका शरीर मृत हो जाता है तो बिना खराब हुए कभी कभी चट्टानों या वायुमंडल की परतों के बीच दब जाता है, सड़ता नहीं है दब जाता है, और इस प्रकार उसके ऊपर वायुमंडल की अनेक परतें क्या होती हैं, उसके ऊपर तह बना के जमा होती जाती हैं, और इस प्रकार उनके अवशेष हमें खुदाई वगैरह के दौरान प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं के जो मृत अवशेष हैं जो खराब नहीं हुए हैं वो चट्टानों में परिरक्षित हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं जीवाश्म। देखिए आप एक चित्र यहाँ देखेंगे, कुछ करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे, ये देख रहे हैं ना आप समुद्री तल पर, एक कुछ जीव एकदम से दब गए या मृत होने के बाद इनका शरीर खराब नहीं हुआ, और इनके ऊपर रेत की परत क्या होती गई, जमा होती गई, और बहुत अधिक दबाव के कारण ये चट्टानों में क्या हो गई, बदल गई। फिर अगला देखिए डायनासोर, मृत होने के बाद उनका शरीर मिट्टी में दब गया और धीरे धीरे मिट्टी भी कठोर होती गई चट्टान के रूप में। आप फिर देखेंगे ये डायनासोर, फिर देखिए आप एक यहाँ पर एक घोड़ा दिखा गया, इसका शरीर भी मान लो मृत हो गया और बिना विघटित हुए इसके ऊपर भी परत जमती गई वायुमंडल की, मिट्टी चट्टान। और इसके बाद जब बहुत अनेकों करोड़ों वर्षों के बाद हम जब कभी खुदाई करते हैं तो हमें इस प्रकार इनका कंकाल या जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो उनका थोड़ा सा सिर्फ हड्डियां दिखेंगी या मिट्टी में उनके ऐसे चित्र दिखाई देंगे, तो इसको हम बोलते हैं जीवाश्म, जीवों के अवशेष। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो गुणसूत्र किसे कहते हैं और जीवाश्म क्या है। धन्यवाद बच्चों।